हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के लहू की जय। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हरे भलाइयों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर के नाम की करें। प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु की स्तुति करें। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु के लोग जय। थैंक यू जीसस। प्रभु जी आज सुबह के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने सुबह का दिन दिखाया पिता परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, ताकि आज के दिन भी हम आपकी स्तुति और महिमा और हम आपकी तारीफ कर सकें। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। ओ लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु की स्तुति। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। लॉर्ड जीसस। प्रभु जी ठोकर खाने से बचाने वाला प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस। अपने पवित्रता का आत्मा कुंडल अपने अभिषेक कुंडल दो पिता परमेश्वर। सभी लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं सुबह के समय में। अनुग्रह देना प्रभु जी हमारा दिन सभी लोगों के जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज का दिन को आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। अपनी अगुवाई में चलाना प्रभु यीशु। आगे पीछे पीछे चलने के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु 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 का धन्यवाद हो। हालेलुया। हम परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा और हम आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस आपका धन्यवाद करते हैं। एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु। आज की सुबह के समय के लिए हम आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। कोई भी शैतान आपको भरमाने न पाए। किसी के भरमाने में नहीं आए। किसी की झूठी शिक्षा में नहीं आए। जो आपको और कोई शिक्षा देता है परमेश्वर से हटकर कोई और बताता है उसके शिक्षा में न आए। उसके भरमाने में न आए। जब हम प्रकाशित वाक्य किताब उसके 12 अध्याय में पढ़ते हैं। पहला अध्याय से लेकर उसका 13वां वचन को पढ़ेंगे कि जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया जा गया हूँ तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताए। उसके ऊपर का वचन पढ़ते हैं। इस कारण हे स्वर्ग और उनमें रहने वालों मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। इसलिए शैतान क्या कर रहा है वो कोशिश कर रहा है भरमाने के लिए। जो शैतान है उसका वो उसका गुण यही है और उसका यही चीज है कि वो लोगों को भरमाता है। किन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसको भरमाने की कोशिश करता है और दोष लगाता है और उन्हें क्या करता है प्रभु से अलग करने की कोशिश करता है रात दिन। और वो इसी काम में लगा क्योंकि उसको पता है कि मेरा समय बहुत ही थोड़ा है क्योंकि उसे अब आग के झील में डाल दिया जाएगा हमेशा के लिए। और इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि कैसे परमेश्वर के लोगों को क्या करें पूर्ण रीति से परमेश्वर से दूर करें दोष लगाएं किसी भी तरह से उसको परमेश्वर से उसका जो संबंध है जो प्रार्थना करते हैं उसको खराब करें। और उसको पता है कि आपके जीवन में आपकी बड़ी कमजोरी क्या है और वो उसी को क्या करता है वो यूज करता है ताकि आप क्या कर सकें परमेश्वर से दूर हो सके। आज आप चंगाई को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे क्यों छुटकारा को नहीं प्राप्त कर पा क्यों ब्लेसिंग्स को क्यों नहीं ले पा रहे क्योंकि शैतान की उस भरमाने में आ जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु आज आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है। प्रभु आपको चंगा करना चाहता है छुटकारा देना चाहता है। लेकिन उस बीच में एक पाप है जो दीवार का काम करती है और इसलिए वो आशीषें वो रुक जाती स्टॉप्ड हो जाती वहीं पर। इसलिए जब हम पढ़ते इफिसियों की किताब में 6वां अध्याय 11वां वचन में कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। क्या करो उस हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। उसकी युक्ति रात दिन यही है भरमाने की
झूठा शिक्षा हो। आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे पढ़ रहे हो, लेकिन और कोई वो शिक्षा को लेके आता है जो कि वो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता, और किस तरीके से वो भरमाता है, उसमें लालच लेके आएगा, उसमें कुछ न कुछ चीजों को लेकर आएगा जिससे भरमाया जाए। यूथ लोगों को किसे भरमा रहा है? मोबाइल में गलत चीजों के द्वारा भरमा रहा है, और जो विश्वासी है उसको उसी की कमजोरी के अकॉर्डिंगली वो उसको भरमा रहा है ताकि वो परमेश्वर से दूर हो जाए। हर प्रकार की वो झूठी शिक्षा से वो क्या कर रहा है? वो भरमा रहा है विश्वासियों को। इसलिए जब हम पढ़ते हैं कि जो पहले जो थे वो क्या हो गए? सारे पीछे हो गए। जो प्रभु में जो प्रार्थना में शूरवीर थे वो सब क्या हो गए? पीछे हो गए। इसलिए घमंड ना करें कि मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना वो करता हूँ, मैं इतना पवित्रता में चल रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, क्योंकि घमंड ही वो गिरा देती है। और सब जो शैतान जो स्वर्गदूत था पहले, जो परमेश्वर के लिए गीत गाने के लिए परमेश्वर की स्तुति करने लिए रखा गया था, उसके अंदर घमंड आया, इसलिए उसे गिरा दिया गया। वो गिर गया, उसके स्वर्ग से फेंक दिया गया। वही शैतान है जो आज सबको भरमा रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। वो किसी न किसी रीति से वो सबको भरमाने की कोशिश करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। इसलिए उस झूठी शिक्षा से जो भरमाना, जो परमेश्वर की शिक्षा को छोड़ कोई और आपको शिक्षा देता है और कोई परमेश्वर मतलब दूसरा कुछ बताता है, तो उस पर विश्वास नहीं करें। क्योंकि हम दूसरा कुरंथियों में 11:14 वचन पढ़ते हैं कि जो स्वर्गदूत जो शैतान है वो खुद क्या करता है? स्वर्गदूत उस ज्योतिर्मय रूप को धारण करके वो कार्य करता है, वो झूठ बोलने वाला है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इस शैतान क्या करता है? कोशिश करता है वो भरमाने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि किसी न किसी रीति से आप उसी शिक्षा को तो सुन रहे परमेश्वर के वचन को, लेकिन उसी को लाकर वो भरमा देता है। वो भरमा देता है कि परमेश्वर की शिक्षा को छोड़ के, परमेश्वर के वचन को छोड़ के किसी और शिक्षा में आप जुड़ना शुरू हो जाओ और किसी का नाम लेना शुरू कर दो। धीरे 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 स्टार्ट होता है, फिर वो मंजिल, वो रास्ता, फिर वो अलग हो जाती है परमेश्वर से। और ये क्या है? ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है जब हम परमेश्वर को छोड़ के किसी और का नाम लेते हो। किस तरीके से भरमाता है? आज जवान लोगों को अलग तरीके से भरमा रहा है, दूसरे लोगों के विश्वासी को अलग तरीके से भरमा रहा है। सबके जीवन में उसकी कमजोरी पता है और इसलिए उसको उनके तरीके से भरमाता है ताकि वो प्रभु से उनका संबंध खराब हो जाए, वो प्रार्थना करना छोड़ दे, वो वचन पढ़ना छोड़ दे, प्रभु पे विश्वास करना छोड़ दे। अरे आप मैं देता हूँ बीमारी, आप देखता हूँ कि ये बीमारी देता है शैतान। और उसके बाद क्या होता है? आप थोड़े दिन प्रार्थना करते रहे, उसके बाद आपका मन टूटने लगता है, विश्वास से आप पीछे हटने लगते हैं। उसके बाद शैतान खुश होता है, अरे मैं तो कामयाब हो गया। और वो यही इसीलिए बीमारी आपके जीवन में रहती है, इसीलिए कि आप क्या करें, बीमारी रहते रहते आप प्रार्थना, चलो कितने महीने, एक महीने कर ली प्रार्थना, दो महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, उसके बाद आपका मन टूटने लगता है, हारने लगते हैं, और उसके बाद आपका विश्वास परमेश्वर से दूर होने लगता है। और शैतान इसी हथियार को यूज करता है ताकि आप बीमार रहें। और जब चंगाई न मिले, जब को छुटकारा न मिले, तो प्रभु पे दोष लगाना शुरू कर दें कि प्रभु क्यों नहीं करता, प्रभु क्यों नहीं करता। सेम अदन की वाटिका में तो उसने दोष लगाना शुरू कर दिया। हव्वा ने कहा कि सर्प जो है इसने मुझे दिया, फिर वो आदम कहता है कि यह जिस स्त्री तूने दी इसने मुझे खिलाया। और इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति दोष लगाना शुरू कर दिए और इसलिए उन्हें भी अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। हालेलुया, तो दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए भरमाए ना जाए किसी भी कीमत पे भरमाए ना जाए वचन को। इसलिए कहती हूँ कि पढ़ो ज्यादा से ज्यादा और प्रार्थना करो, वचन पढ़ो और परमेश्वर के पीछे आप चलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और दोष भी लगाता है कि वो किसने किसी रीति से वो दोष लगाता है। जब कोई पाप करते तो वो क्या करता है? वो दोष लगाता है और इसलिए वो पाप रहता है, उसको एक अवसर मिल जाता है काम करने का आपके जीवन में। अरे ये तो ये पाप कर रहा है इसलिए बीमारी रहेगी, अरे ये पाप कर रहा है इसलिए रहेगी। तो परमेश्वर के सामने बताता है कि देख तेरा विश्वासी ऐसा है, तेरा विश्वासी ये काम कर रहा है, तेरा विश्वासी वो गंदगी चीजों में पड़ा हुआ है और इसलिए छुटकारा और चंगाई नहीं मिल पाती। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, क्योंकि शैतान हमेशा तैयार है दोष लगाने के लिए। इसलिए शैतान को अवसर न दो, शैतान का दांव आंख पर चलने ना पाए, उसका अवसर न दो अपने जीवन में कार्य करने के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। और उसका तीसरा जो मकसद है कि परमेश्वर के जो विश्वासियों का परमेश्वर के जो संबंध है प्रार्थना का, परमेश्वर के साथ जो प्रेम का, जो अगापे लव का, अनकंडीशनल लव का, उसे वो तोड़ना चाहता है। किसी न किसी रीति से वो अपना हथियार को यूज करता है, बीमारी का, परेशानी का, निंदा का,
गलत चीजों का वो क्या करता हो, शैतान भी अपना उसके भी उसके तो बहुत सारा तेरे गुस्से का लड़ाई झगड़े का वो हर तरह का हथियार यूज करता है ताकि वो परमेश्वर को छोड़ दे, उनके घर में लड़ाई झगड़ा और प्रार्थना का जीवन से हट जाए, पीछे हट जाए। और इस रीति से शैतान लगा हुआ है कि आप परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दो किसी भी कीमत पे। वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि आपको परमेश्वर से दूर करने का। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब आपके पास भी हथियार दिया गया है, वह है प्रार्थना का हथियार। प्रार्थना करें ज्यादा से ज्यादा घुटने पे और वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। वह परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में दिखाई से बसने दो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद और जड़ पकड़ते जाओ मसीह में। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद। कोई झूठा शिक्षा लेकर आए तो अब भरमाने ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई आए और आपको कुछ ना कुछ बोल के चले जाए तो उसके उसके ऊपर क्या नहीं करना है, विश्वास नहीं करना कि आपको क्या कर रहा है वो परमेश्वर के बारे में क्या खिलाफ कर रहा है, दोष लगा तेरा परमेश्वर ये नहीं करता, तेरा परमेश्वर वो नहीं करता तो अभी भी वैसा है। इसलिए उन बातों को छोड़ दो, प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दो, क्योंकि शैतान यूज करता किसी न किसी लोगों को, हो सकता है आपके परिवार के लोगों को यूज करता है, वो आपके परिवार के लोगों को यूज करेगा लड़ाई करवाने के लिए, झगड़ा करवाने के लिए, दोष लगाने के लिए, गलत चीजों को करवाने के लिए, ताकि आप परमेश्वर के रास्ते में चलना छोड़ दो। इसलिए प्रभु में बने रहो और अड़े और खड़े रहो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इसलिए जिस दौड़ में दौड़ रहे हो आप, हालेलुया, धीरज के साथ दौड़े। प्रार्थना आपके जीवन में कम नहीं होना चाहिए। वचन को पढ़े, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे, वो आपको अगुवाई करेगा। और फास्टिंग प्रेयर करें, हालेलुया, और अब देखेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हालेलुया। और आपके जीवन में जो शैतान इतने दिन से पीछे था वो एक महीना कोशिश करेगा, दो महीने, साल, तीन साल, चार साल, हो सकता है ज्यादा 5 साल, लेकिन बाद में वो छोड़ ही देगा आपको, आपको अटैक करने के लिए, क्योंकि वो थक जाएगा, वो थक जाएगा। अरे इससे इसके ऊपर अटैक करना तो बेकार है, ये तो सुधरता ही नहीं है। वो क्या बोलेगा, ये तो मेरी और फिरता नहीं। शैतान क्या बोलेगा, ये तो मेरी और देखता भी नहीं है, तो फिरता भी नहीं है, गलत चीजों को भी नहीं देखता, वो नशा भी नहीं करता। इतने इसके जीवन में अटैक करने की कोशिश किया, लेकिन ये तो भाई, ये तो परमेश्वर का प्रिय है। हालेलुया, इसके बाद कोशिश करेगा शैतान, करते रहेगा, लेकिन उसे 100% परमानेंट आपके जीवन को छोड़ के जाना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर में बने रहोगे, मजबूती के साथ अड़े और खड़े रहोगे। वो दांव करता है, वो कोशिश करता है आपको गिराने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए, लेकिन वो कभी जय प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप प्रभु में बने, परमेश्वर का प्रेम में मजबूत है, अगापे लव में, अनकंडीशनल लव में, इसे शैतान के ऊपर दांव नहीं कर पाएगा। हालेलुया, इसे शैतान को अवसर ना दो अपने जीवन में कार्य करने के लिए। और इसलिए यह हथियार है प्रार्थना और वचन, परमेश्वर का स्तुति करना, धन्यवाद करना, फास्टिंग प्रेयर के साथ जाए। और गवाही भी एक बहुत बड़ा हथियार है। जब हम गवाही देते हैं, जब प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया, कई लोग ऐसे जो प्रभु उनके जीवन में कार्य करता है, वो नए होते मसीह में, वो नहीं जानते परमेश्वर को, लेकिन प्रभु उनके जीवन में अद्भुत काम करते, उस गवाही को छिपा के रखते हैं। अरे वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा मेरे बारे में, तो ये हो जाएगा, जबकि प्रभु ने उसकी शर्मिंदगी को दूर, किसके बीमारी को चंगा किया, और जो प्रभु ने अद्भुत काम किया उसको छिपा देते, इसलिए फिर वो दूसरी गवाही ले नहीं पाते। हालेलुया, इसे शैतान तो खुश होता है, और अच्छा है कि तुम गवाही मत दो कि परमेश्वर के नाम की महिमा ना हो। वो यही चाहता है कि परमेश्वर के नाम की महिमा ना करें आप। लेकिन अब आपको हथियार चलाना है, कैसे, जो प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है, अद्भुत काम किया है, उसे आप शेयर करें। हालेलुया, और ये हथियार है, और शैतान रोएगा, ये तो जो परमेश्वर ने इसके जीवन में कार्य किया, ये तो बता रहा है ताकि आपकी गवाही को सुनकर दूसरे लोग उद्धार पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, विश्वास बढ़ता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति। इसलिए गवाही जो ये भी हथियार है, तो इसलिए गवाही देना ना भूलें। परमेश्वर जब के जीवन में अद्भुत काम के, जब एक गवाही दोगे तो आपके जीवन में दूसरी गवाही आएगी, तीसरी गवाही आएगी, चौथी गवाही आएंगी, और इस तरीके से आप जीतते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसे जो प्रभु ने आपको अवसर दिया, परमेश्वर गवाही का जीवन दिया है। कई लोग गवाही के लिए तरसते, प्रभु मेरे जीवन में कर तो मैं गवाही दूंगा, प्रभु मेरे जीवन में कर, गवाही के लिए तरसते हैं, अद्भुत कामों को देखने के लिए तरसते हैं। प्रभु जो आपके जीवन में इतना अद्भुत काम करते हैं, इसलिए गवाही देना ना भूले। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। चाहे समाज के लोग, चाहे रिश्तेदार, चाहे आस पड़ोस के लोग, कितना भी आपका दोष लगाए, गलत बोले, लेकिन प्रभु के पीछे नहीं चलना, मत छोड़ना। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति। क्योंकि शैतान कोशिश करता है पड़ोसी के द्वारा कार्य करे, लड़ाई झगड़ा करवाए, तंत्र मंत्र करने की कोशिश, कुछ ना कुछ, ताकि आप प्रभु को छोड़ दो करके। लेकिन आपको प्रभु में बने रहना है, और परमेश्वर का स्वभाव के जीवन से प्रकट होना चाहिए। तब लोग आपको देख के कहेंगे कि हाँ, ये तो सच में कौन से परमेश्वर का, ये कौन से प्रभु का ये फॉलो करता है कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स इसके जीवन में है। हालेलुया, और वो परमेश्वर को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनको विश्वास करना पड़ेगा कि सचमुच में इनका परमेश्वर तो महान है। और कब होता है, जब गवाही देते और लोग सुनते हैं।
हालेलुया, तो उनका जीवन भी बदलता है और आप क्या होते हो, आप बचाने का जरिया बन जाते हो। प्रभु का धन्यवाद। तो सोचो परमेश्वर को कितना बड़ा ब्लेस करेगा, कितना बड़ा आपके लिए परमेश्वर ने प्रतिफल रखा है जब अपनी गवाही देते हो। इसलिए प्रार्थना करना ना छोड़े। शैतान कोशिश करता है भरमाने की, दोष लगाने की, सताने की, जो और किसी न किसी रीति से लड़ाई झगड़ा करवाता है ताकि प्रभु के रास्तों में चलना छोड़ दे। आपका दिमाग और मन टेंशन में बना रहे ताकि आप प्रार्थना ना कर सके। निराशा में लाने की कोशिश करता है, फाइनेंशियल में प्रॉब्लम डालता है कि आप क्या कर सके कि प्रार्थना ना कर सके, आपका टेंस में रहे। इसलिए शैतान का प्रिजन में कार्य करने का अवसर ना दो। यदि कुछ ऐसा होता है जब परीक्षाएं भी हैं चल रहे आपके जीवन में, तो प्रभु में बने रहे, अड़े और खड़े रहे मजबूती के साथ। परमेश्वर आपको परीक्षाओं से निकालेगा और विजयी देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। आइए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें और बोलें कि आज से मैं प्रार्थना करूंगा जो प्रार्थना नहीं करते थे, जो प्रार्थना थोड़ी देर करते थे वो बोले कि आज से मैं प्रार्थना जीवन बढ़ाऊंगा। प्रभु अनुग्रह दे ताकि और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कर सकूं, वचन को पढ़ सकूं, आगे पीछे चल सकूं, फास्टिंग प्रेयर में अटेंड कर सकूं, फास्टिंग प्रेयर कर सकूं, और गंदगी चीजों से मुझे बचा, मुझे छुड़ा पिता परमेश्वर, मुझे पवित्रता का आत्मा दे, अभिषेक दे प्रभु जी, सारी घमंड की बातों को दूर कर मेरे जीवन से। ओ लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, और बोलो मैं यीशु मसीह को फॉलो करूंगा, मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूं कि एक जन के यीशु के नाम में कवर करती है, जादू यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूं जितने लोग आज के वचन को सुना है, आज जितने लोगों ने वचन को सुना 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बीज बोया गया इनके हृदय में ये फलवंत हो, यीशु के सामर्थ्य नाम फल लेकर आने वाले बन सके। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूं जिन्होंने वचन सुना है ये प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को सरेंडर करने के लिए अनुग्रह देना प्रभु। ओ रबा खतीरा लबा शंतरा लबा खतीरा, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु राजा, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, शैतान के कामों को अब सुन चुके हो कि कैसे वो भरमाता है, कैसे काम करता है, और उसको पता है कि उसका उसका दिन थोड़ा ही है, परमेश्वर जल्द आने वाले हैं और उसका काम थोड़ा ही है, और इसे वो भी जल्दी जल्दी करे कि किसी न किसी रीति से वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को भरमा दे, गिरा दे। लेकिन आप बोलो कि नहीं, मैं प्रभु में बने रहूंगा। प्रार्थना करना ना छोड़े, पवित्रताई में चलते रहे, प्रभु में बने रहे, अड़े और खड़े। बोलो मुझे आशीष मिले चाहे ना मिले, मैं तब भी प्रभु तेरे पीछे चलूंगा। चंगाई मिले चाहे ना मिले, मैं तब भी तेरे पीछे चलूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब इस तरीके से अंगीकार के प्रार्थना कर रहे, शैतान रो रहा है और उसे जा रहा है आपको छोड़ के, आपके परिवार को छोड़ के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। बोले प्रभु अपने पहला प्रेम से भर दे, अगापे लव से भर दे, अनकंडीशनल लव से भर दे प्रभु। आगे पीछे चलने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा देना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूं एक जन को, जितने लोग आज के वचन को सुना है प्रभु, आपसे प्रेम करने के लिए अगापे लव और अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम को उंडेल दे सभी के जीवन में। प्रभु यही चाहता है कि आप प्रभु से प्रेम करें, निस्वार्थ प्रेम करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु दया करो, दया करो। प्रार्थना करते प्रभु जी सबका अनुग्रह, आपके पीछे चलने के लिए, आपकी मर्जी करने के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। पवित्रता में चलने के लिए अनुग्रह देना कि जैसे जैसे आप अपने आत्मिक जीवन को, आप अपने आत्मा प्राण को प्रभु के आगे सरेंडर कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप डिसीजन ले रहे प्रभु के पीछे चलने के लिए, पापों को छोड़ रहे, फिल्मी गाना को छोड़ रहे, गंदगी को छोड़ रहे, उन गंदगी चीजों को जिससे जो परमेश्वर को पसंद, जो चीजें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, और उन चीजों को छोड़ रहे जो पाप है, जो गंदगी चीज है, तो अब देखोगे अपने जीवन में गवाही और बिग टेस्टिमनी को देखने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करती प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, जितने भाई बहन बीमार हैं, जितने हॉस्पिटल में एडमिट है, जितने कोरोना पॉजिटिव है, जितने लोग न चल सकते, न बैठ सकते, उठ पाते, जो व्हील चेयर में, जो पैरालाइज्ड है, जो अपनी बॉडी को हिला नहीं सकते, जो जकड़े हुए उनकी शरीर हड्डी काम नहीं करती, आज अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर रहे। प्रभु को बोले प्रभु यीशु मैं आज से आपके पीछे चलूंगा, जो भी मैंने गलती किया, जो भी मैंने पाप किया, आपको दुख दिया, परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी मैं अपनी मन मर्जी करते रहा, प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धोकर, मुझे पाकर पवित्र शुद्ध कर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी सबको प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दे। आज सुबह के समय हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूं। ओ रबा खतीरा रबा शंतरा रबा खतीरा, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया कर दो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु जी अनुग्रह दे पवित्रता में चलने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे। और जैसे जैसे आप अंगीकार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर जब कुछ चंगा कर रहा है, परमेश्वर को छुटकारा देने वाला है, परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपको छू रहा है, आप चंगे हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते हूं शरीर की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बी हील्ड, आई एम बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। गेट आउट एवरी डीमन, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक शैतानी की युक्ति से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आपके शरीर में दर्द है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। ओ रबा खतीरा रबा
आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु जी, मदद कर सहायता कर प्रभु जी। ओ रबकती रडबशंत रडबकती रडबंत तेरे के दृढ़बतिरा, मैं प्रार्थना करते एक जन को यीशु के नाम में कवर करते आजाद हो। चले बीमारी गेट आउट, हर एक दर्द गेट आउट, हर एक इंफेक्शन गेट आउट, हर एक स्किन के एलर्जी स्किन की प्रॉब्लम गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक पाप से आजाद हो जाए, गंदगी चीजों से आजाद हो जाए। हालेलुया प्रभु यीशु, दया करो, हर एक विचार के स्पिरिट से आजाद हो जाए, हर एक गंदगी आदतों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जो गुस्सा करने वाली आत्मा जो आपके जीवन में कार्य करती, चिड़चिड़ापन गुस्सापन नेगेटिव थॉट्स बुरे विचार प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दोष लगाते हो जो किसी के ऊपर, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। गंदे मजाक करने वाली स्पिरिट यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। गंदी बात बोलने वाली, गाली देकर बात करने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बेटी लिए वर्ड द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबकती रडबा शंतर रडबा कती रडबा बनती रे गिदरे बतिरा, मैं प्रार्थना करते बेटी ली वर्ड यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु छुटकारा दिया, प्रभु आपने ब्लेस किया, मैं धन्यवाद करते रहे एक जन को यीशु के नाम में कवर करते आजाद हो जाए। बेटी ली वर्ड द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुटकारा देने वाला, चिंता करने वाला, मुहैया करने वाला, धन्यवाद करती हूं। मैं प्रार्थना करते रहे बीमारी को डांटते अपने जीवन को छोड़ के जाए, आपको शरीर को छोड़ के जाए। जिनको घबराहट आती, जिनका हार्ट बीट बढ़ जाता है, बीजी ली वर्ड द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी हड्डी का दर्द जाए, आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए, आपकी नस जो दबी हुई है, यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करते जकड़ा हुआ शरीर खुल जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। जो चल नहीं सकते हो चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्पीक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनके पैर बराबर नहीं, उसके पैर बराबर होने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जॉ का दर्द, आपके जबड़े का दर्द, आपके दांतों का दर्द बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते जो खाना नहीं खा पाते, निगल नहीं पाते, जो छाला अल्सर की बीमारी है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जाते चंगे हो जाए। पीटी लीवर, मैं प्रार्थना करती जिनको फोड़ा हुआ है यीशु के सामर्थ्य नाम में। पीटी लीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपकी आंखों की रोशनी वापस आ रही है, आपके कानों से सुनने लग रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो कोमा में है, बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड। ओ रबा खती रबा शंत रबा खती, प्रभु छुटकारा दिया, प्रभु चंगाई कुंडल दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ लॉर्ड जीसस। ओ लॉर्ड जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके जो शादीशुदा जीवन में गड़बड़ी है, का आत्मा कार्य करती है, जो घर को तोड़ने वाले स्पिरिट कार्य करती है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पिछली बड़ी माटी नाम अच्छी तरह से पति पत्नी का जीवन एक होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पत्नी पूर्ण रीति से वो आत्मिक होकर बदल जाए, प्रभु के पीछे चलने वाली होकर बदल जाए। पति अपनी पत्नी कर प्रार्थना करे, पति अपने पति कर प्रार्थना करे, एक दूसरे को क्षमा करे, माफ करे और आगे बढ़े जीवन में, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार से। आदि यदि आपको पता चल जाता है कि पत्नी के बारे में कोई गलत, यदि पत्नी को अपने पति के बारे में चल जाता है, तो माफ करे और आगे बढ़े अपने जीवन में। हालेलुया, एक दूसरे को माफ करो, मौका दो और आगे बढ़ो, जैसे प्रभु ने हमें मौका दिया, प्रभु ने हमें क्षमा किया। और देखो आपका परिवार एक स्वर्ग के समान सुंदर जीवन ऐसा बन जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हर एक दुष्टात्मा जब आपके घर में कार्य करती है, वी डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करता हूं घर तोड़ने वाली स्पिरिट जो कार्य करती है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ बेस्ट बेस्ट लाइफ पार्टनर आपके अपने जीवन में देखने वाले। जब आप अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करते हो, प्रभु के पहले प्रेम में बने हुए, और आप देखोगे जिनकी शादी इतने सालों के जो नहीं हो रहे, जो अच्छे रिश्ते नहीं आते, मैं प्रार्थना करती हूँ और आप बेस्ट रिश्ता देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। जो आत्मिक होगा, जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति आपको मिलने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। जितने बच्चे यीशु के नाम में कवर करती हूँ, जिनके मानसिक रोग समस्या आजाद हो जाए, जो मृत्यु का शाप आपके परिवार में चला आ रहा है, पीट लीवर हर एक श्राप और बंधन टूटे, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दिया, प्रभु ब्लेस किया, प्रभु जी धन्यवाद करती। प्रभु के बच्चों को जो जन्म से बीमार है, यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। परमेश्वर के बच्चों को पढ़ाई में पढ़ने के लिए परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे और परमेश्वर के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने जवान भाई बहन है सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कवर करती। प्रभु के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य। जो बुरी संगति में फंसे हुए, गलत चीजों में पड़े हुए, नशे में पड़े हुए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो लिविंग रिलेशनशिप में यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक जो नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो मेडिकल नशा करते हैं, छोटा नशा करते हैं, बड़ा नशा करते हैं, हर तरह के जो नशा करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, बी हील्ड
के सामर्थ्य नाम मजाक जो नशा बेचते हैं, जो नशा खरीदते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दिया, प्रभु ब्लेस किया। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जिनके घर में पैसे बचत नहीं होती, जिनके कमाई में आशीष नहीं ठहरती। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू निश्चय अपने कमाई को खाने पाएगा और जिस कामों में तू हाथ लगाएगा वो आशीष होकर बदल जाएगा। ये वचन, ये जो परमेश्वर ने वादा किया है, इसको क्लेम करके प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में जिस कामों को हाथ लगा आशीष होकर बदल जाए। हालेलुया, धन्यवाद। निश्चय तो अपने कमाई को खाने पाएगा, आप कमाते तो हैं लेकिन आपको कमाई को कोई और खा लेता है। आज इधर चली जाती कमाई, एक ही महीने के फर्स्ट मंथ के एक तारीख को आती है लेकिन वो इधर चली जाती, इधर चले जाए अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, यहाँ तक कि बाप को उधारी लेना भी पड़ना शुरू हो जाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आपको उधारी मांगना पड़ता है बार बार, राशन के लिए, पानी के लिए, इधर के लिए, उधर के लिए, यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए और ब्लेसिंग्स को ठहरा देती है यीशु के सामर्थ्य ने। आपके कमाई में हिस्से को मैं ब्लेस करती हूँ, जिस कामों में हाथ लगाए वो आशीष होकर परिवर्तित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो श्राप है वो बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य। कमाई का पहला हिस्सा, जो दसवां हिस्सा परमेश्वर को दो और आपका कमाई आशीष होकर बदल जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो परमेश्वर की आज्ञा है हालेलुया, वो बंधन टूट जाए हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। और आप देखोगे अद्भुत कामों को अपने जीवन में, आपके बैंक अकाउंट को ब्लेस करती हूँ, आपके कामों को ब्लेस करती हूँ, भरपूरी की आशीष अपने जीवन में, अपने परिवार में देखोगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य। आपके घर खत्ते जो है भरे पूरे रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, थैंक यू। जब आपको कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा आज के बाद यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, कर्ज से आजाद हो जाए, हर एक मुसीबतों से आजाद हो जाए, हर एक परेशानी आपको छोड़ के जाए, हर एक समस्याओं से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आपका लोन चल रहा है और अब जल्द आपका लोन सब कुछ फिनिश होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, डेब्ट फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए, आर्थिक समस्या जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रब खतिर रब शांति रब खतिर, प्रभु अपने ब्लेस के छुटकारा दे। धन्यवाद करती हूँ मैं लोगों के लिए, प्रार्थना करती हूँ जिनका केस चल रहा है हालेलुया, जिनका जमीन कब्जा हो गया, जिनका केस चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए और परमेश्वर की लड़ाई को लड़ रहा है और अब जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु के साथ खराई के साथ बने रहे, प्रभु के पीछे चले, प्रार्थना करना एक भी दिन मिस ना करे, प्रभु में बने रहे, अड़े और खड़े रहे और अब अपने जीवन में देखोगे जीतोगे अपने केस में यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके रुके पैसे को, रुके सैलरी को मैं रिलीज करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु अपने ब्लेस के धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हाँ, मेरा विश्वास है कि जितने लोगों का केस चल रहा है और अब जीतने वाले यीशु के सामर्थ्य, वाचा बांध के प्रार्थना करें परमेश्वर किसे क्या, परमेश्वर के लिए क्या करोगे और परमेश्वर आपके सब कोई परमेश्वर को विजय देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती प्रार्थना करती हूँ। लॉर्ड जीसस, जितने अपने काम में जाते हैं सबको मैं यीशु के लिए कवर करती हूँ, हर एक एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ, हर एक मिस हैपनिंग को कैंसिल करती हूँ, जिस गाड़ी में जिस कार में जाते हैं मैं सरदूतों के बारे में रखती हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए कवर करती हूँ। जितने टूर में, जितने दूर दूर जा रहे हैं मैं प्रार्थना करूँ, टूर और ट्रेवल्स में जा रहे हैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हालेलुया, प्रभु मदद करना सहायता करना पड़ता है परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, की मर्जी करने के लिए सबको अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, अगुवाई करना पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको पूछने किंतु सी ठहराएगा। हालेलुया, प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, प्रभु में सदा आनंदित रहे। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। अब जल्द आने वाले उसको तैयार कीजिए, आपका आगमन बहुत निकट है और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी बचाए जाए और परमेश्वर के नाम को जान सके कि यीशु मसीह ही सत्य मार्ग और जीवन है और उसी के द्वारा उद्धार है, जीवन है, छुटकारा है, चंगाई और ब्लेसिंग्स है। हालेलुया, और जान पाए कि प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आया है। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना न भूलें। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिए गए प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी गवाही को देना न भूलें, वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को व्हाट्सएप नंबर में भेजें जैसे कि आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। और भेंट अपने थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग को, अपने दशमांश को आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू जो इंडिया में वो दे सकते हैं उसके थ्रू, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू और बैंक के थ्रू भी दे सकते हैं। डिटेल्स आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। और जो बाहर से हैं और फॉरेन कंट्री से, आप भी अपनी ऑफरिंग, अपनी टाइथ दशमांश को बैंक के थ्रू, नहीं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके द्वारा दे सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति। व्हाट्सएप में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। तो इस मिनिस्ट्री का प्रार्थना करें, चर्च भवन की जमीन का प्रार्थना करें, परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोएं परमेश्वर, और जैसे आपको आत्मा भरता परमेश्वर को दे सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो।
इस मिनिस्ट्री का प्रार्थना करें और प्रेयर वॉरियर के लिए, सबके लिए प्रार्थना, मेरे लिए, परिवार के लिए, ताकि हम परमेश्वर के कामों को कर सके, शेयर कर सके, परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को फैला सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति। प्रभु में सदा आनंदित रहे और प्रभु में बढ़ते जाए, डे बढ़े और गवाही के साथ वापस आए और बिग टेस्टिमनी अब देने वाले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज शनिवार की जो फास्टिंग प्रेयर जो दोपहर 12 बजे होगी, उसको अटेंड करने के लिए तैयार हो जाए और आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया, आप सभी लोगों को जय मसीह की।